हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, मतलब सुपर हीटेड जो हमारा वेपर होगा तो उसके लिए ये साइकिल कैसे चलती है। अभी तक हम बात किए हैं ड्राई सैचुरेटेड के लिए और बेड के लिए बात कर लिए हैं बेड वेपर, लेकिन अब हम बात करेंगे सुपर हीटेड वेपर के लिए। ठीक है, कैसे प्रोसेस इसका चलता है, कैसे इसमें वर्क डन होता है और कैसे इसमें जो है हम इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जो हमारा इसमें होता है पीएच चार्ट और टीएस चार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, टी से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेम्परेचर को और एंट्रोपी को किससे, एस से, किससे, यस से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस कैसे चलता है। तो हमारा जो इसमें प्रोसेस होगा, देखिए प्रोसेस वन से टू में जो जाएगा इसमें हमारा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्या कंप्रेशन होता है, बात इधर जो है कंप्रेशन जब भी हमारा होगा ये प्रोसेस हमारा कैसा होगा, ये आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होता है। कैसा, आइसेंट्रॉपिक। ठीक है, ये आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा। इसमें जो हमारी एंट्रोपी होती है क्या होती है, कांस्टेंट होती है। प्रोसेस वन से टू में आप ये भी जानते हैं, अगली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं इस बात पे कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे वर्कडन होता है। क्या वर्कडन होता है, और देखिए प्रोसेस वन से टू में जो है हमारा इस बीच की जो एरिया होगी यहाँ से यहाँ तक की, इस बीच में क्या होगा हमारा, वर्कडन डब्ल्यू होगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जब कंप्रेशन होगा, तो आप जानते हैं जब कंप्रेशन होता है किसी भी प्रोसेस में कहीं भी, तो उसमें क्या होता है, उसके जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे जो पॉइंट वन पे था, पॉइंट वन वाला जो हमारा डायग्राम इधर से यहाँ गया, यहाँ मान लीजिए कितना टी वन था, और यहाँ जो है टी वन जो हमारा रहेगा, यहाँ देखिए टी टू पॉइंट पे पहुंचा, तो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया, इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर में भी बहुत तेजी से क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। देख लीजिए प्रेशर जो हमारा पॉइंट वन पे था, पॉइंट वन पे, वो पॉइंट किस पे चला गया, पॉइंट टू पे। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस टू से जो थ्री होगा, प्रोसेस टू से थ्री में क्या होता है, कंडेंसन होता है। कंडेंसन में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट जिसको हम कंप्रेस किए हैं, वो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। लेकिन पहले आप बात समझिए, इधर की जो इधर इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड लाइन। लेकिन और इसे क्या कहते हैं, वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, वेपर लाइन इसे कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन इधर का जो हमारा रीजन होता है, इधर की जो एरिया होती है, वो कैसी होती है, सुपर हीटेड रीजन होता है। ठीक है, इधर का सुपर हीटेड होगा और इधर का क्या होगा हमारा, सब कोल्ड रीजन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए एरिया से जो हमारा इधर सुपर हीटेड एरिया है, तो इसमें जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस वन से टू में जब जा रहा है हमारा कोई भी रेफ्रिजरेंट, तो वन से टू में जाएगा, तो जब इसको हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस टू से टू डैश तक जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, टू से क्या, टू डैश तक, इस प्रोसेस में हमारा कंडेंसर हो रहा है, लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेंट है किसमें है, सुपर हीटेड में है, तो सुपर हीटेड से क्या है, वो आएगा यहाँ पे इस फॉर्म तक, यहाँ तक जो है वो बेड वेपर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, बेड वेपर में आ जाएगा, लेकिन कंडेंसन होता रहेगा, कंडेंसन प्रोसेस टू से थ्री तक चलेगा, लेकिन टू डैश तक क्या होगा हमारा, वो सुपर हीटेड जो था हमारा, वो केवल बेड वेपर में आ जाएगा, ड्राई वेपर में आएगा, यहाँ पे सॉरी ड्राई सैचुरेटेड में हो जाएगा। और यहाँ से जो है जब हम कंडेंस करते रहेंगे उस रेफ्रिजरेंट को, तो यहाँ से थ्री तक पहुंचने तक क्या होगा, वो सीधा सीधा जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो पूरे पूरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस थ्री डैश से थ्री तक, जो यहाँ पे देखिए टू डैश था ना, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर क्या एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमारी टू से टू डैश तक चेंजिंग जब होगी, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडेंसर प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, इस प्रोसेस में कंडेंसन। अब देखिए प्रोसेस थ्री से फोर में हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन कह सकते हैं, या इसे हम थ्रॉटलिंग भी कह सकते हैं, थ्रॉटलिंग वाल्व हमारा यहाँ पे होता है, जिससे हम प्रेशर को जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो उसका प्रेशर होगा हमारी रेफ्रिजरेंट, जिसमें हम अपना जो रेफ्रिजरेटर हमारा होगा, उसका जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर को मेंटेन करेंगे, इसे हम थ्रॉटलिंग वाल्व भी कह सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ से प्रोसेस थ्री से फोर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हमारा होगा उसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वो फैलेगा, तो फैलेगा जब उसमें, तो आप जानते हैं जब हमारा कोई भी रेफ्रिजरेंट होगा कम एरिया से ज्यादा एरिया में कवर करेगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर जो हमारा होगा वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर देखिए थ्री से फोर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बहुत तेजी से घट रहा है, देख लीजिए। और जो प्रोसेस थ्री से फोर हमारा होगा इसमें टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इसमें भी बहुत तेजी से क्या होगी, कमी आएगी,
प्रोसेस 3 से 4 में टेम्परेचर में भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस 4 to 1 में, तो प्रोसेस 4 to 1 जो हमारा होगा इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस था, इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा इसमें लिक्विड और वेपर दोनों हो जाएगा, क्या लिक्विड और वेपर दोनों हो, यहाँ लिक्विड था ना, तो इस प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा तो किसमें लिक्विड और वेपर दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए जो यहाँ से प्रोसेस 4 से 1 का प्रोसेस है, इसमें 4 to 1 में इसमें क्या होगा, इवेपोरेटर जो हमारा होगा, इवेपोरेटर प्रोसेस में हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट होगा पूरा रेफ्रिजरेंट जो हमारा है किसमें वाष्प में मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस किसमें 4 to 1 में। लेकिन यहाँ तक जो है हमारा क्या है जो रेफ्रिजरेंट है प्रोसेस 4 से 1 में, यहाँ या तो यहाँ से यहाँ माने आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है इवेपोरेटर प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा यहाँ तक जो हमारा ड्राई सेचुरेटेड में जाएगा, यहाँ तक जो हमारा वेपर होगा मतलब हीट तो बहुत तेजी से यहाँ से आप जानते हैं हीट हमारी क्या होती है यहाँ से निकलती है, जहाँ किसी भी सिस्टम से हमको क्या करते हैं हीट को निकालते हैं, ये प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेशन का। तो रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है जब यहाँ 4 to 1 में क्या होता है हीट ऐड होता है, क्या जो हमारा क्यू होता है हीट, हीट यहाँ से क्या होती है ऐड होती है, यहाँ से क्यू हीट ऐड होती है और यहाँ से हमारी जो क्यू होती है क्या होती है रिजेक्ट होती है, ठीक है। क्यू यहाँ से क्या होगी इस प्रोसेस के थ्रू क्यू हमारी रिजेक्ट होगी और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा हीट हमारा जो क्यू होगा क्यू क्या होगा ऐड होगा, ठीक। अब देखिए जो यहाँ से 4 to 1 में जब इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो इसमें पूरा के यहाँ से यहाँ तक 4 to 1 में पूरा प्रोसेस क्या होगा इवेपोरेटर का ही प्रोसेस होगा। लेकिन बात हो ये होती है कि जो 4 से 1 तक का हमारा देखिए यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है इस पॉइंट तक जो है हमारा ड्राई सेचुरेटेड तक ही रेफ्रिजरेंट पहुंच पाता है ड्राई सेचुरेटेड वेपर में, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से हम 1-1 तक ले जाते हैं तो इस प्रोसेस में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो सुपर हीटेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सुपर हीटेड हो जाएगा, तो फिर वही प्रोसेस यहाँ सुपर हीटेड जब वेपर हमारा हो गया तो यहाँ से फिर उसको कंप्रेस करेंगे फिर 0.2 पे जाएगा और फिर 2 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 1-1 से 1 पे, यही प्रोसेस सीधा सीधा मेरा चलता रहता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं वर्क डन निकालते हैं और इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा इस चीज को देखते हैं, ठीक। तो देखिए जो हमारा वर्क डन हो रहा है आप जानते हैं किसमें हो रहा है, प्रोसेस जो हमारा 1 से 2 है, तो 1 से 2 में जो हमारा क्या वर्क डन होगा क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है वर्क डन होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एंथैल्पी में चेंजिंग ही वर्क डन होती है, तो एंथैल्पी कितनी है H2 है H1 है ना, तो इसके लिए W हमारा कितना हो जाएगा, W ही वर्क डन होगा ना, कितना हो जाएगा H2 - H1, इसके लिए क्या हो गया वर्क डन हो गया। अब बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना हो गया मतलब हीट कितना ऐड हुआ, तो जो हमारा हीट ऐड होती है वही हमारा क्या होता है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक, जिसे हम RE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो RE जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा H1 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा H4, तो यहाँ से हो जाएगा H1 - H4। लेकिन एक चीज देखिए जो हमारा H4 है यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस जो हमारा है क्या है यहाँ पे एंथैल्पी जो हमारी होती है कांस्टेंट होती है, क्या एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, तो ये लाइन सीधी है, तो H4 जो हमारा है H3 के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो H3 के इक्वल होगा तो हम इसे H3 लिख के इसे कह सकते हैं कि H1 - H4 की जगह पे H3 भी हम रख सकते हैं HF3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकलेगा कितना H1 - HF3 हो जाएगा। तो अब इसलिए हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे, COP जो हमारा होगा क्या होगा RE अपान क्या होता है वर्क डन होता है, ठीक, RE अपान वर्क डन होगा। तो RE हमारा कितना हो जाएगा, RE देखिए यहां निकाले हैं H1 - HF3, ठीक, अपान वर्क डन कितना हो जाएगा H2 - H1, तो इसलिए हमारा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया, इतना हमारा क्या हो गया कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर, जो हमारा सुपर हीटेड वेपर होगा तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस ये होगा। और आप ये देख लीजिए जो बुक में कभी कभी आप देखते होंगे ये लाइन नहीं दी हुई, पूरा लाइन जो है नहीं दी हुई होती है, तो इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये जो है वही प्रोसेस है, ये जो हमारी लिक्विड लाइन है और ये हमारी वेपर लाइन है, इस बात में कभी कंफ्यूज मत रहिएगा, ये जो है लिक्विड लाइन ही है और ये क्या है वेपर लाइन वही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुक में कभी तो यहाँ पे जो है केवल यही क्रॉस कर दे रहा है और ये डायग्राम बना दे रहा है, तो इस चीज से आप कभी मत डरिएगा क्योंकि ये जो है लिक्विड लाइन है ये क्या है वेपर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं
वेपर कंप्रेसर सिस्टम में सीओपी जो हम निकालते हैं सुपर हीटेड के लिए क्या है सीओपी ज्ञात करते हैं, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम किसी भी सिस्टम में किसी भी सुपर हीटेड जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होगा उसमें क्या उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे आगे टॉपिक्स की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।